बच्चों, जैसे ही सारे ऑफिसर्स क्लास के अंदर एंटर करेंगे, सारे बच्चे एक साथ खड़े होके गुड मॉर्निंग विश करेंगे, ठीक है? तुम दोनों फर्स्ट बेंच पे आओ और तुम दोनों पीछे जाओ लास्ट बेंच पे, और तुम दोनों तो मेरी क्लास से ही निकल जाओ और चले जाओ सिक बे, और लास्ट पीरियड तक शक्ल मत दिखाना अपनी, वरना मेरी रेपुटेशन ऐसे ही तबाह हो जानी है। मैम चिंता मत करो, जो ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं ना, वो रोहन के पापा ही हैं। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो तुम्हारा ही स्कूल है, तुम जहाँ चाहे वहाँ बैठो। मैं कमिन सर। कमिन बेटा। सर, ये मेरा स्कूल का बस पास है, आप इसे प्लीज रिन्यू कर दोगे? कौन से क्लास में हो बेटा आप? सर 11th क्लास। नहीं हो सकता बेटा। मगर सर, दिया तो आपको बस पास मैंने, इसको रिन्यू ही तो करना है। बेटा, नए रूल के हिसाब से स्कूल बसेस सिर्फ फर्स्ट से लेके 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं रही। अब अच्छा, तो तू डीपीएस में है? जी हाँ, मैं डीपीएस से हूँ। ठीक ही ठाक स्कूल है वो भी। अच्छा जी, तो तुम्हारे आर्मी पब्लिक स्कूल में ऐसी क्या बात है? बेटा, ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये एक टैलेंट का पिटारा है, और यहाँ से हर एक निकला टैलेंट लोगों के दिलों पे राज करता है। जैसे कौन कौन? जैसे प्रियंका चोपड़ा, रणविजय, अनुष्का शर्मा, और भी बहुत सारे हैं। मैं नाम लेता रह जाऊंगा और तू गिनता गिनता थक जाएगा। अच्छा चलो, मान लिया ये तो हो गए टैलेंटेड लोग, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है? मैं वो हूँ जो आर्मी ब्रैट्स पे वीडियोस बनाता है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख के अपने पुरानी यादें ताजा कर लें। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे तू पागल हो गया है क्या? तू मैथ्स की क्लास बंक करेगा? अबे तो मैथ्स की क्लास है, क्या हो गया? चल भाई, कोई हमें देख लेगा हम पकड़े जाएंगे। ओ महाराज जी, जरा पीछे मुड़ के देखिए, ये स्कूल है कितना बड़ा। स्कूल में जब मैं पहली बार आया था ना, मैं खुद गुम हो गया था अपनी क्लास ढूंढते ढूंढते, कोई और क्या देख पाएगा। और इस स्कूल का एक राउंड एक 40 मिनट के पीरियड के बराबर होता है, तो ज्यादा सोचिए मत और चलिए। अंकल जी, दो पैटीज दो। यार हमेशा ऐसे ही होता है यार, जब भी पैटीज लेने का टाइम आता है, इसकी पैटीज खत्म हो जाती है। मतलब गिन के ये 50 पैटीज लेके आता है। नहीं मतलब अगर 50 और बना लेगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे तो क्या हो गया, चिल मार, हम लोग शाम को जाके रैना कॉम्प्लेक्स में खा लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन हमारा फेयरवेल होगा ना, उसी दिन हमको मिलेगा ये खाने को। भाई साहब, अगर ये डिसिप्लिन अपॉइंटमेंट बन गई ना, तब तो रोज मैं खड़ा करके आऊंगा। क्या बाल, गंदे इंसान, ताकि ये रोज मुझे अपने साथ लेके जाए। कहाँ? ग्राउंड के चक्कर लगवाने, फिर मैं इसको देखते देखते मारूंगा। ग्राउंड के चक्कर, हमेशा गंदे जगह ही दिमाग जाएगा। बेटा विशाल। यस मैम। पिछले 5 पीटीएम से तुम्हारे फैमिली में से कोई मेंबर नहीं आया है पीटीएम अटेंड करने। अपने पापा को इन्फॉर्म कर देना, कल पीटीएम है और वो मेरे से मिल के जाएंगे। मैम वो तो एक्सरसाइज पे चले गए। तो मम्मी को इन्फॉर्म कर देना बेटा, वो तो आ सकती हैं। मैम उनका तो लेडीज वेलफेयर है, एक हफ्ते तक वो भी बहुत बिजी हैं। घर में कोई है जो पीटीएम अटेंड कर ले तुम्हारा? भैया चलेंगे। ठीक है, उनको लेके आना याद से। तेरा तो कोई भाई नहीं है? अरे मेरे भाई सहायक भैया किस काम आएंगे। यकीन नहीं होता ना, ये 11th और 12th क्लास कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। सच में यकीन नहीं होता यार कि अब से हमको इन क्लासेस में आने का मौका तक नहीं मिलेगा, और ना ही कोई अपॉइंटमेंट अब से लंबे बालों के लिए क्लास से बाहर लेके जाएगा, और ना ही अब से हमें कोई 0 पीरियड्स मिला करेंगे, और अब से ना ही कोई टीचर बार बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए बुलाया करेंगे, और ना ही हर क्लास के बाद कॉरिडोर्स में घूमने का मौका मिलेगा। गाइस, स्कूल खत्म होने पे जो साइकिल पे रेस लगाया करते थे हम, वो भी अब से नहीं करने को मिलेगा। भाइयों, मैं तो सारी टीचर्स को बहुत मिस करूंगा, जो कि एक टीचर नहीं एक दोस्त की तरह हमेशा हमारे साथ थे। ये जो 11th और 12th होती है ना गाइस, ये हर एक स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
जहाँ पे वो हर एक मोमेंट खुल के जीता है, चाहे फिर वो एग्जाम की टेंशन हो या फिर पीटीएम की, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड की टेंशन हो या फिर उसकी क्रश किसी और से ना पड़ जाए इसकी टेंशन हो। ये फेज हम लोग जब भी याद करेंगे ना, हमें हंसी भी आएगी, हमें रोना भी आएगा, बट हम इसको कभी वापस जी नहीं पाएंगे, बस हमेशा याद रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए थोड़ी भाइयों वाली बात कर लें। आप लोगों में से जितने भी बच्चे 11th और 12th क्लास में हैं, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, केवी स्कूल हो, एयरफोर्स स्कूल हो या ऑल ओवर इंडिया कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके ये 2 साल लाइफ के सबसे प्रीशियस साल होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 सालों में आप जो मोमेंट्स क्रिएट करोगे वो आप लाइफ में फिर कभी दोबारा क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इन 2 सालों में आप पढ़ाई भी करना, मगर इन 2 सालों को खुल के जीना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस, लव यू गाइस, #armybrats, बाय।